दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू लगा है। नींद रातों की मेरी, चाह बातों की मेरी, चैन को भी मेरे तूने यूं ठगा है। जब अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आर अनदर ब्लॉग। सो आप, आई होप सो आप सभी खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सभी भी खैरियत से हैं फ्रेंड्स। तो आप सोचेंगे कि इतने दिनों के बाद हम लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट की। जी हाँ फ्रेंड्स, इधर बीच में थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था इसी वजह से, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी फ्रेंड्स, इस वजह से हम लोग ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो फ्रेंड्स आज है 13 जून और कल है भाई का बर्थडे, मतलब आसिफ का बर्थडे। तो हम लोगों ने सोचा, उसको तो हमेशा कुछ ना कुछ डाउट हो जाता है फ्रेंड्स, उसने अभी हम लोग का पोपट कर दिया क्योंकि मैंने केक मंगा के रखा था फ्रिज में और मैंने छुपा के रखा था केक, लेकिन वो आकर फ्रिज, उसकी ना रात में खोलने की आदत है कि वो फ्रिज खोलता है, मतलब ऐसा चॉकलेट्स वगैरह देखता है, उसने खोला और उसे डाउट हो गया कि वो केक, और वो आके हम लोग से पूछा केक कहाँ से मंगाई हो, तो उसने तो पूरा पोपट कर दिया। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सोच रहे हैं कुछ करने के लिए स्पेशल उसको, कि क्या करें। तो अभी हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, तो अभी हम लोग कुछ तो डिसाइड करेंगे। पहले हम लोगों ने सोचा था कि आसिफ की डिग्गी में डेकोरेट कर देंगे, लेकिन अभी हमारे दिमाग में कैनोपी भी चल रहा है, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं और जितना जल्दी हो सके, क्योंकि मुझे पता है फ्रेंड्स आसिफ बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं चाहता है, लेकिन आपको तो पता है ना, मेरा दिल तो मानने से रहा नहीं, मैं हमेशा सबके बर्थडे पर करती हूँ, तो नहीं क्यों ना कर, मतलब साहिबा का भी दिल चढ़ जाओ, साहिबा का भी दिल। तो फ्रेंड्स और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, मतलब हम लोग हमेशा किसी ना किसी के बर्थडे पर ऐसे लंच या डिनर करते रहते हैं, जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हमेशा बाहर बाहर का खाना हो जाता है। तो कल का जो डिनर और लंच है वो मेद रिफ से स्पेशल रहेगा, वो मैं आपको एक एक चीज़ पूरा कल आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या चीज़ बना रही हूँ उसके लिए, क्या क्या चीज़ नहीं। तो कल हीना शेफ अपना पूरा मतलब मैजिक, अपना मैजिक वो स्टिक चलाएगी, और उसके बाद एक से एक डिनर प्रिपरेशन करूँगी और लंच प्रिपरेशन करूँगी। तो फिर मैं वो आपको कल दिखाऊँगी। अभी मैं क्या करने वाली हूँ उसके लिए, आपको मेरे साथ थोड़ा सा बने रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ क्या क्या करूँ। तो पहले मैं अभी सब दिमाग लगा लेती हूँ, फिर मैं आपके साथ दिखाती हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं। फ्रेंड्स स्टे ट्यून गाइज। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर पूरा फुला लिया, और ये देख सकते हैं आप, हमने हैप्पी बर्थडे भी इस तरीके से कर लिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, इसको पहले सेट कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने कहाँ पर क्या प्लान सोचा है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमने कार के डिग्गे में डेकोरेशन करने का सोचा है, तो अभी हम लोग यहाँ पर कर दिए। और फ्रेंड्स मैं आपको क्या बताऊँ, हम लोग का पुचका ही पुचका हुआ, हम लोगों ने जैसे इसमें सारे बलून्स डाले हैं, इतनी तेज़ से हवा चलने लगी, देख सकते हैं आप, एकदम तेज़ से हवा चलने लगी और पूरे बलून्स जो है वो फूट फटा गए। तो अभी हम लोगों को देखिए, अभी ये भी इधर भी उड़ रहे हैं, मुझे बहुत संभालना है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स सॉरी, मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं ले पाई, क्योंकि आपको तो पता है कि आसिफ को बिल्कुल भी नहीं पसंद है व्लॉग में आना, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाया।
तो लेकिन मैं आपके साथ छोटी छोटी क्लिप जरूर शेयर करूंगी जो उसने कट किया, तो उसे तो पहले ही आइडिया हो गया था क्योंकि आंधी तूफान ने तो हमारा पहले ही भांडा फोड़ दिया था बलून फूट फूट के। तो फ्रेंड्स अभी हो गए रात के 12:15 और हम लोग अभी जा रहे हैं सोने। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप मेरे साथ कल बने रहेगा, बाकी सरप्राइज। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं साहिबा ने जो पार्टी बम फोड़ा उसके वजह से यहाँ पर पूरा केक पूरा तहस नहस हो गया, लेकिन केक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है फ्रेंड्स। वैसे भी वेंकट का केक मुझे हमेशा से बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो अभी हम लोग ये रख रहे हैं, सुबह में हम लोग इसका पूरा इसको इस पर सत्यानाश करेंगे खा खा के। तो उसके बाद हम लोग जा रहे सोने। फ्रेंड्स सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं नमाज पढ़ कर अभी बाहर आई हूँ। तो आप देख सकते हैं बाहर का मौसम एकदम मस्त, हवा चल रही एकदम मस्त वाली। अभी थोड़ा सा बूंदाबांदी हो रही है जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है। तो मैं अभी आई हूँ एक चादर उठाने, बाहर तो पड़ा था। और आप लोगों को मैं गुड मॉर्निंग विश करना भूल गई, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी मैं नमाज़ पढ़कर मैं जा रही हूँ अभी और तिलावत करने, तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से मॉर्निंग में। अल्लाह हाफिज़। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि रात में तो हम लोगों ने जो मेहनत की थी उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि देखिए यहाँ पर बलून जो है, ये सारे जो क्रैकर्स थे ना वो सारे इस तरीके से फेंक पका गए हैं। और जो हमारे बलून का सत्यानाश करके पूरा हम लोगों का सरप्राइज भांडा फूड हुआ है, ये अभी साहिबा इसको पूरा साफ़ कर रही है। और ये सारा बहुत सारा मुश्किल से हम लोगों का सारा बलून देख सकते हैं आप दूर दूर तक जा जा के फूटा है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ी से थी कि और उसके बाद गर्म ज़मीन तो पूरा फूट फूट गया। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं पौने नौ बज रहे हैं। तो मैं अब चली ट्यूशन, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी ट्यूशन जाऊंगी फिर से आऊंगी। तो बहुत सारा मैंने आपको बताया कि आज मैं सुबह का आपका सुबह से आपको मैं एक अपडेट दूँगी कि मैं आज क्या क्या स्पेशल करूँगी। तो मैं अभी ट्यूशन जा रही हूँ, ट्यूशन जाने के बाद वहाँ से आने के बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये दो मेरे स्टूडेंट हैं जो बैठे हैं और मैं अभी आई हूँ। तो भाभी ने मुझे पोहा बनाकर दिया, मैं पोहा खा रही हूँ। और अभी ये लोग दोनों मेरा मुंह देख रहे हैं क्योंकि मेरे मुंह ही पे लिखा है सब कुछ पढ़ने के लिए इन लोगों को। तो अभी इन लोग दोनों पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मेरा वो पोहा भी ख़त्म हो गया, भाभी ने बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस पोहा बनाया था। और अभी यहाँ पर ये दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, अभी मैं और आप देख सकते हैं पीछे बोर्ड भी है क्योंकि इसको बोर्ड पे सिखा रही हूँ मैं पढ़ाने के लिए, ताकि ये फटाफट उसमें से कॉपी कर सके। तो मैं अभी जा रही हूँ घर, उसके बाद मैं वहाँ जाने के बाद आपको दिखाती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ जेली पुडिंग, जो कि आपको तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जेली पुडिंग की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, लेकिन मैं आज फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम मैंने बड़े क्रीम को मंगाया था, आज मैं छोटे छोटे अमूल का 2 क्रीम लेकर आई हूँ क्योंकि हम लोग अभी कम लोग हैं। तो इसी वजह से मैं अभी इसको निकालने से पहले इसको अच्छे से स्क्वेश कर लूँगी ताकि अच्छे से मिलकर निकले। तो अभी क्रीम निकालने के बाद उसके बाद मैं मिल्क मेड लेकर आई हूँ, जो कि पूरा मिल्क मेड है जो इसमें जाएगा। तो मैं अभी इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ फिर उसके बाद निकालती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं अभी जो क्रीम मैंने इसमें निकाला मैं इसको और अच्छे से व्हिप कर रही हूँ, और अभी इसको करने के बाद ये एकदम अच्छे से थिक पेस्ट इसका रेडी हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं मिल्क मेड ऐड करूँगी। मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स, क्योंकि मिल्क मेड जो होता है वो लाइट मीठा होता है, तो मुझे शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिल्क मेड ऐड करने के बाद। तो अभी मैं इसको अच्छे से पहले इसका थिक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिल्क मेड डाल के फिर आपको आगे का दिखाऊँगी। तो फ्रेंड यहाँ मिल्क मेड मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मिल्क मेड मैंने इसमें ऐड कर दिया और अभी से मैं थोड़ा सा अच्छे से चलाऊंगी ताकि ये पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्योंकि वो क्रीमी क्रीमी कलर है, तो अभी थोड़ा सा क्रीमी का टेक्सचर आ रहा है। सो फ्रेंड जैसा देख सकते हैं हमेशा की तरह इस बार भी मैं अब कुछ करने गई तो मेरे हाथ को मैंने सबसे पहले शहीद कर लिया। तो अब इसके बावजूद भी मैं अभी ये सब करूँगी, लेकिन जो मिक्स करने वाला काम है वो मम्मी लोग से करवाऊँगी।
तो और अभी यहाँ पर खाला लोग भी मेरा हेल्प कर रही है। यहाँ पर देखो खाला ने पूरा ये लहसुन छील दिया है, और अभी इधर ये जो फ्रूट्स है ये फ्रूट्स भी मैं अभी इन लोग से कट करवाऊँगी, तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अभी आगे जो है दिखा रही हूँ बातें हुआ है, और इधर मम्मी लोग सारा जो है वो प्रिपरेशन कर रही हैं। फिर उसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको दिखाया ना मेरा हाथ पर ये फ्रेंड्स, मैं जब भी जाती हूँ कुछ करने तो कुछ ना कुछ हो जाता है, तो मैं अभी बाकी का काम करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चिकन फ्राई के लिए चिकन को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे मैं अभी जा रही हूँ फ्रिज में रख देने के लिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है वो अभी चावल भी फुला के रख लिया ज़ीरा राइस के लिए, और उसके बाद मैंने यहाँ पर अभी चीज़ लिया है फ्रेंड्स, अभी मैं इसको चिकन पॉप्सिकल के लिए भी अभी आगे का पूरा जो है प्रोसेस वो करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ आज का जो रेसिपी है वो क्या क्या है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मैं एकदम पसीने में पूरी तर पर हूँ, तो मैं अभी आज किचन में मैं आज क्या क्या बना रही हूँ। तो आज का जो रेसिपी है उसमें आज का जो मेन्यू है वो क्या क्या है, सबसे पहले है चिकन का चिकन पाकिस्तानी, उसके बाद सेकंड है मटन ग्रेवी, मतलब मटन भुना ग्रेवी नहीं सॉरी, उसके बाद ज़ीरा राइस है, फिर उसके बाद नान रोटी है, फिर उसके बाद चिकन पॉप्सिकल है, चिकन फ्राई है, जली पुडिंग है, उसके बाद मोहितो है, और उसके बाद कबाब में चापली कबाब मैं आज बना रही हूँ। तो मैं आज आपको इन सब चीज़ का रेसिपी, तो बाकी का तो मैं आपको पहले भी ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ, लेकिन कुछ कुछ जो नया रेसिपी बना रही हूँ आज मैं उनका ज़रूर आपको मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी, जिसमें से चापली कबाब एक नया है, तो मैं आज उसका रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स मैं बहुत ज़्यादा पसीने में हो गई हूँ, तो बस ये मेहनत है मेरे भाई के लिए, बस मेरे भाई को सब कुछ पसंद आए, तो फिर अभी मैं आगे का कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चिकन पॉप्सिकल मिक्स करके रख लिया, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ धनिया पत्ती ऐड करना है, उसके बाद उसका पॉप्सिकल बना बना कर उसको रख दूँगी, और अभी मैं जा रही हूँ बाकी का काम करने, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स चापली कबाब बनने के लिए यहाँ पर मैंने मटन का कीमा लिया था, जिसे मैंने एकदम अच्छे से बारीक कुटवा लिया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 2 चम्मच बेसन ऐड किया है, नमक आप अपने हिसाब से स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं, उसके बाद मिर्ची आपको जिस हिसाब से खानी हो फ्रेंड्स, तीखी खानी हो तो तीखी ऐड कर सकते हैं, और लाइट खाना हो तो आप लाइट ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हमारा जो मिर्ची था वो बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं था, तो हमने 1.5 चम्मच यहाँ लिया है। उसके बाद हमने इसमें क्या कहते हैं उसको धनिया पाउडर लिया 1/2 चम्मच, उसके बाद हमने यहाँ पर गरम मसाला पाउडर लिया है, और उसके बाद अभी हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है उसे एकदम बारीक कट कर लेंगे, उसको कट करने के बाद, और एक टमाटर भी बारीक कट कर लेंगे, और कोरिएंडर लीव्स भी उसको भी बारीक कट करके इसमें ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम सब मिलाकर आपको दिखाते हैं आगे। और आप चाहें तो फ्रेंड्स इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, जो कि कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, तो हमने कश्मीरी लाल मिर्च भी यहाँ पर ऐड किया है। फ्रेंड्स आप टाइम देख सकते हैं 11:30 बज गया, और यहाँ पर मेरा मटन जो है इधर मैंने मटन चढ़ा दिया है, और यहाँ पर मैं अभी ज़ीरा राइस के लिए भी यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया है, तो अभी मेरा फटाफट काम होने वाला है फ्रेंड्स, कि मैं चाहती हूँ कि 1 बजे से पहले मैं सब कुछ रेडी करके रख दूँ, तो ऑलमोस्ट है कि अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, अब देखते हैं क्या होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ज़ीरा राइस बना कर रख दिया, और यहाँ पर मटन जो है वो भी देख रहे हैं आप सीटी लग रहा है, और यहाँ पर अभी मैं जा रही हूँ चिकन बनाने, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर धुल कर रख दी मम्मी, और अभी बज गया है 12, और ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे फटाफट करना है फ्रेंड्स। तो और मैं अभी आपको दिखाती हूँ चापली कबाब जो बन गया है वो मैं दिखाती हूँ आपको। सो फ्रेंड्स यहाँ पर चापली कबाब जो है वो मैंने इस तरीके से बना कर रख लिया है, ताकि अब इसको फिर शाम में शैलो फ्राई कर देंगे, अरे अभी दोपहर में शैलो फ्राई कर देंगे। और यहाँ पर मम्मी चिकन पॉप्सिकल के लिए स्टिक्स जो है वो कट कर रही हैं, तो अभी इसको मैं करने के बाद दिखाती हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर मैंने जो नान रोटी का जो डो है वो यहाँ पर गूंथ के रखवा दिया है, ताकि ये अच्छे से ईस्ट हो सके इसमें, और अभी मुझे मोहितो के लिए सिर्फ संतरे चाहिए, तो फटाफट मुझे अभी सब कुछ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चिकन को बना दिया, और इसे मैं ढक कर पका रही हूँ, और मटन अभी थोड़ा सा गला नहीं था, इसलिए मैंने फिर से एक बार बेसन लगा दिया, और यहाँ पर जो मेरा ज़ीरा राइस है वो भी रेडी हो चुका है, तो उसके बाद मैं आपको और दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने चिकन फ्राई का जो चटनी होता है वो भी मैंने रेडी कर दिया है, तो मैं अभी आपको और दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी जो खाला है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है पर्सन, तो वो यहाँ पर अभी सैलेड जो है वो डेकोरेट कर रही है, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरा फाइनल सब कुछ करने के बाद। और मेरी मम्मी यहाँ पर जो है वो चिकन पॉप्सिकल को डिप कर रही हैं, डिप करके यहाँ पर रख रही हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेरा जेली पुडिंग है वो भी एकदम
रेडी हो चुका है। इसमें मैंने अंदर फ्रूट्स ऐड कर दिए और ऊपर से आप देख सकते हैं जो जेली मैंने बनाई थी उसे भी मैंने कट करके इसमें ऐड कर लिया। तो अभी ये एकदम मस्त सर्व करने के लिए रेडी है। इसे भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा चापली कबाब है वो बन के रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैंने चिकन फ्राई और पॉपसिकल दोनों साथ में डाल दिया है और यहाँ पर मैंने चिकन जो है ग्रेवी वो भी रेडी कर दिया है। तो अभी फटाफट इसको कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साहिबा को शर्म आ रहा है और मैंने यहाँ पर साहिबा को रेडी रख दिया है खान्स का ढाबा करके। शेफ तो मैं हूँ लेकिन साहिबा को मैं कर दूँ कि अभी सबसे पहले लेकर जाओ तुम मॉकटेल आसिफ के लिए। तो अभी मैंने जो मॉकटेल बनाया मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी बहन भी है वीडियो कॉल पर। इसको भी वीडियो कॉल पर आना बिल्कुल पसंद नहीं है, बट इसको भी हम लोग लिए हैं। तो हम लोग आपको आगे दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर साहिबा रेडी है पानी लेकर जाने के लिए। तो सबसे पहले साहिबा भी पानी लेकर जा रही है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑरेंज मोहितो रेडी कर लिया और यहाँ पर अभी साहिबा लेकर जा रही है, तो फिर इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चापली कबाब जो है वो रेडी है, यहाँ पर चिकन पॉप्सिकल है, यहाँ पर चिकन फ्राई है और चिकन फ्राई को सैलेड के साथ खाने के लिए। तो अभी हम लोग इसको लेकर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चिकन भुना, चिकन का हरियाली है, यहाँ पर मटन भुना है, यहाँ पर नान रोटी है, यहाँ पर जीरा राइस है, यहाँ सैलेड है, यहाँ पर जो मैंने जेली पुडिंग बनाया है वो है और यहाँ पर अभी मेरा भाई खा रहा है। तो खाने के बाद वो रिव्यूज़ बताएगा, उसको तो शक मानना है कि वो आए ना वीडियो में, तो मैं उसका नहीं लूँगी, तो मैं उसको खाने के बाद दिखाती हूँ उसको। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा मैंने आसिफ को सब कुछ दे दिया और उसे बहुत सब कुछ पसंद आया। उसको वीडियो में तो नहीं आना पसंद है, बट फिर भी मैं उसके पास जाती हूँ उसका रिएक्शन जानने के लिए कि उसको कैसा लगा। तो मेरे साथ बने रहिए। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आसिफ को बहुत मनाने के बाद उसको वीडियो में लाने के लिए कि उसको मेरा सरप्राइज़ कैसा लगा। उसको कोई आइडिया नहीं था। अब उसके मुँह से एकदम फैक्ट और ट्रू बात सुनिएगा। मैं उसको कुछ भी फोर्स नहीं क्योंकि तुम कुछ भी मेरी तारीफ या कुछ भी करो, अब सुनियो क्या बोलता है। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का रियली सरप्राइज बहुत अच्छा रहा। मैं एक्सपेक्टेशन मैंने रियली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा कुछ होगा। और मैं आप सबको सजेस्ट करता हूँ, जितने लोग ये चैनल को देखते हैं, मैं सबको सजेशन कर दूँगा कि बाहर की पार्टी हम लोग बहुत कर सकते हैं लेकिन घर में जो ये सुकून और जो मज़ा है वो वाकई एकदम अलग लेवल का है। और इन अपने जितना भी डिश बनाया तो सब भी सब आउटस्टैंडिंग है, मतलब किसी के लिए बोलना नहीं पड़ेगा यार। रियली बहुत मज़ा आया, मतलब कि मेरे लिए बेस्ट था यार। घर से थक बाहर थक के और इतना अच्छा आपको डिश मिले खाने के लिए, तो और से अच्छा बर्थडे गिफ्ट को क्या चाहिए। थैंक यू सो मच सबके लिए। चलो फ्रेंड्स, फाइनली आसिफ को पसंद आया। मैंने एक भी बात उसको कुछ, तो फ्रेंड्स मैंने आसिफ को एक भी बात नहीं बोला था कि तुम ये चीज़ें बोलना, उसने पूरी बातें दिल से बोली। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब उसने पहली बार मेरे वीडियो में इतना कुछ बोला और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतना थकने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद जब लोग आपकी मतलब इतना एक क्या बोलते हैं मेहनत को मतलब अप्रिशिएट करते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फाइनली एकदम थक हार के अभी मैं बैठी हूँ जस्ट जेली पुडिंग लेकर। तो बहुत ही ज़्यादा सबने बहुत तारीफ की है, सबने सबको बहुत अच्छा लगा। और बस मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप सो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और इसी तरीके से आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली को इसी तरीके से सरप्राइज दे सकते हैं फ्रेंड्स। और मैंने सोचा क्यों ना, हमेशा हम लोग बाहर जाते हैं तो हम सोचे कि इस बार क्यों ना हम घर में अपनी मेहनत अपने हाथों से अपने भाई को बनाकर उसके फेवरेट उसके मनपसंद का सब कुछ बनाकर दूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत अच्छा लगा। तो मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक।